जांजगीर जिले की जयजयपुर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति, सास, ससुर सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि विवाह के बाद से ही महिला और उसके मायके पक्ष को दहेज के लिए तंग किया जाता था। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पति सहित उसके सास, ससुर, जेठ और जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जांजगीर जिले के बिर्रा गांव का है। यहां रहने वाली पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की थी कि शादी के बाद से ही उसका पति व परिवार के अन्य सदस्य नकदी रकम और गहनों के लिए उसे शारीरिक व मानसिक यातनाएं दे रहे हैं। पीड़िता की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और पति सहित उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। महिला जो है थाना जयजयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2017 के बाद शादी के बाद उसका पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी दहेज के नाम पर लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आवेदन पर परिवार परामर्श केंद्र से काउंसलिंग कराया गया। परिवार परामर्श केंद्र से काउंसलिंग कराने के बाद धारा 498A 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर महिला संबंधी अपराध में त्वरित गिरफ्तारी के दिशा निर्देश पर आज दिनांक 13/5/2022 को पति कांता प्रसाद बरेठ, ससुर डोरीलाल बरेठ एवं जेठ गेंदराम बरेठ एवं दो महिलाओं को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दहेज प्रताड़ना के इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ धारा 498 के तहत अपराध कायम किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।